पास ना आ गया, कहाँ कहाँ कहाँ, अरे 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 पास में आ रहा है ये तो। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like. वेलकम बैक एवरीवन टू व्लॉग बर्ड्स। अभी ये देखिए मैं बहुत बुरा फंसा हूँ निकल के घर से बाहर। स्पीड ज़्यादा नहीं है बाइक का, अभी सिर्फ 41 के स्पीड में हूँ, लेकिन आंधी तूफान इतना ज़बरदस्त है ना कि अब समझ नहीं आ रहा कि वापस मुड़ जाऊँ या फिर आगे जाऊँ। रुके कहीं पे साइड में रोक के आपको बताता हूँ पूरा स्टोरी। मैं डोमजुड़ी से अभी इस तरफ जा रहा हूँ घर घाटशिला। तो जब डोमजुड़ी में था वहां पे ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे पहुंचते ही मतलब जस्ट केसरदा थोड़ा सा क्रॉस किया हूँ और यहाँ ऐसा हालत हो गया है। अभी टाइम भी देख लीजिए ज्यादा नहीं हुआ है, बस 6:38 हो रहा है, इसलिए मैं फटाफट से निकलता हूँ घर। अभी ये देखिए मैं एक ढाबे में बैठा हुआ हूँ, बारिश इतनी तेज हुई ना कि आगे बढ़ा नहीं गया, भीग भी गया हूँ। अच्छा नजारा देखिए आप एक दफा बाहर का, हो रही हमारी बाइक और ये भैया मसाल हाथ में लेके रखे हैं, क्योंकि अभी अभी मुझे ये पता चला कि आगे हाथी है, पांच हाथी डेली निकल रहा है, इस वजह से मसाल लेके रखे हैं। अब तो और भी मतलब क्या बोलूं, बारिश की वजह से ऐसी हालत ख़राब था, ये स्टोरी सुनने के बाद और हालत ख़राब हो गया। और देखिए कितना तेज़ बिजली भी कड़क रहा है, ये देखिए एक्चुअली बिजली के डर से ही मुझसे आगे बढ़ा नहीं गया, क्योंकि क्या है ना बारिश जितना भी आए आप झेल लोगे, लेकिन बिजली अगर कड़का तो उपाय नहीं है फिर। और मैं आज मजाक में नाना जी को भी बोल रहा था कि अगर रास्ते में बारिश आया तो बढ़िया है, मेरा कंटेंट हो जाएगा, और सच में वही कर रहा हूँ। ये देखिए अभी 6:55 हो रहा है, ये देखिए हाथी एकदम बगल में 50 है, तो एकदम पास में है, एकदम पास में, एकदम आएगा, हो रहा दो है उधर। खोलिए ना। अरे इधर नहीं आएगा, टेंशन मत लो, इधर नहीं आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा बस, वो गड्ढा तक ना दीजिए। कहाँ गए मनीष भाई? दो है ना उधर। देखिए सारे लोगों को बहुत तेज कड़क रहा है। मनीष उधर मत जा, तो खड़ा है। वो तो उधर बड़ा वाला है। किधर? वही वाला? इधर सीधा। अच्छा ओए काकू लाइट मार। अरे अच्छा ज्यादा है। अरे हाँ बहुत सारा है, बच्चा भी है एक दो। अच्छा हाँ चलिए जलाइए। मैं भी जा रहा हूँ अभी पास में। हो जाएगा। थोड़ा पास में जाएंगे, वो गए हैं मसाला लाने के लिए ना, अगला जगह वो सब मत जाइए, दौड़ा लेगा क्या? हाँ दौड़ाएगा। अरे आधा घंटा बाद पहले आते ना। हाँ तो आपके दिन में इसी जगह नहीं, यहीं पे था एकदम पास में। हाँ। हाँ। तो था ये। अरे अरे दिखाई दे रहा है।
अभी कड़क रहा है ना तो फिर आ रहा है। थोड़ा पास में जाने से तो अच्छा आता है, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। हाँ अभी बढ़ेगा नहीं, अभी सब एक अच्छा रहेगा, जल्दी नहीं भागता है। देखिए जब भाग रहा है से क्लियर आएगा, खड़ा ही है वहीं पे। अच्छा यहाँ पे लेकिन चार से ज्यादा हाथी है, ज्यादा है, पूरा ज्यादा है, ज्यादा है ना। अच्छा ये यहाँ डेली निकल रहा है? डेली नहीं, डेली नहीं। अच्छा ये देखिए मैं इधर बैठा हुआ था और इसके बाद फिर अब हाथी का तांडव शुरू हुआ है। देखिए छोटा वाला भी है ना वहाँ। आप लोग क्या अभी मसाल जलाइएगा क्या? पास में आ गया, कहाँ कहाँ कहाँ? अरे 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 पास में आ रहा है ये तो। अच्छा इधर जाते हैं। बाहर आ गया हाथी। अरे अरे इधर ढंग आया, देखिए वो तो जा रहा था। अरे चलो 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 चलो। हाँ बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये। अच्छा उस तरफ भी है क्या अभी? अरे 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 अभी खाना खा रहा हूँ ये सब है, लौकी सब है। अच्छा कितना है टोटल? एक दो तीन चार पाँच बड़ा वाला दो है। बहुत पास है लेकिन पचास फीट। हाँ देखिए यहाँ पे गाड़ी रोक दीजिएगा ना, पार हो जाएगा। नहीं आ गया आ गया। हाँ इससे पहले ले लिए अच्छे से। अच्छा अगर पार नहीं हो पाया तो इधर भी घुस सकता है? मैं इधर नहीं घुसेगा सर, कोई गारंटी है उसका? कोई जानवर है ऊपर में बनाया उसका, फल फूल सब खाते हैं लोग, फ्री माइंड में रहता है, ये तो कोई टेंशन है ना। अच्छा लेकिन चला जा रहा है कम से कम शांति से, वो बच्चा के लिए लोग धीरे धीरे जा रहा है। तीन गो बच्चा। हाँ 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 छोटा है ना एक तो बच्चा, तीन गो छोटा है, तीन गो छोटा है, ये लोग बच्चा उन लोग देख देख के जा रहा है कि गड्ढा है आना है फायर में लग जाएगा। अच्छा झुंड निकल गया ना इतना, इधर कुछ बचा है क्या? इधर सांड का डर रहता है, उस तरफ रोड तरफ जा रहा है, चल रहा है क्या? अच्छा भीग गया इसलिए जलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? इधर से चल गया है, हाँ उसी तरफ जा रहा है हाईवे तरफ। यहाँ पे देखिए ये लोग मसाल जलाते हुए आ रहे हैं और हाथी अभी भी पार नहीं किए हैं रोड, रोड अभी भी पार नहीं किया है ना। कहाँ ऊपर उठी जो सामने नहीं जाएगा
अच्छा पहले तो झाड़ के तरफ ज्यादा देखिए क्योंकि पता नहीं किस तरफ है वो लोग। झोपड़ी दिख रहा है ना? हाँ। अबे इधर है विजय। अच्छा इधर है। अबे इधर। हाँ उधर है, उधर है, आगे जाके मार दी। अबे इधर। हाँ उधर है, इधर। अबे इधर है। अरे सब कहाँ है, कहाँ है, दिख रहा है क्या? दिखाइए जरा। अच्छा 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 ये देखिए लोग कितने सारा मसाल लेके आए अपने साथ। क्या हो गया? हाँ 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 वही है, वही है, अच्छा वो लोग उस तरफ से अगर उसको पिंच करेंगे तब तो वो लोग इधर ही आएगा। फाइनली ये सारा किस्सा के बाद अब मैं घर पहुंच चुका हूँ। एक्चुअली लगभग आधा घंटा मुझे हो गया है घर पहुंचे हुए, लेकिन ना मैं थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा था, मतलब बैठ के वो नहीं, अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करना होता है कि हाँ बैठ के मतलब थोड़ा सुकून से एकदम चुपचाप क्योंकि आपने इतना सारा कुछ झेल के और फिर आप आए। मेरा आँख भी थोड़ा सा फुला फुला सा लग रहा होगा आपको, और इनफैक्ट थोड़ा शायद रेड रेड सा दिख रहा होगा। जो भी हो एक्सपीरियंस काफी धमाकेदार था मेरा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक तरीके से गौवा रहा। क्यों 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 क्या? जब मैं बोल दी इधर जोरदार बारिश हो रहा, बिजली चमक रहा है, फिर भी आप माने नहीं, निकल के आ गए। एक्चुअली मैंने मन बना लिया था कि मुझे घर वापस जाना है क्योंकि क्या है ना कि एडिटिंग का काम जो है वो बिना लैपटॉप के मतलब नहीं हो सकता है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग तो बना रहा था वहाँ पे भी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं अब वापस चलना चाहिए। एकदम जोरदार बिजली चमक, इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और सच बताओ तो मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था। वो थोड़ा सा जब मैं आगे गया ना, इस वीडियो का जहाँ पे शुरुआत हुआ आपने देखा पूरा एकदम बिजली कड़क रहा है ना, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा ना तो एकाएक तेज बारिश और फिर बिजली भी बहुत जोर से कड़क रहा है। तो इसके बाद फिर होटल एक मिल गया भगवान के दया से, वहां पे फिर हम लोग बैठे और फिर वहाँ पे भी हाथी निकला। ऊपर से आपने बोल दिया कि बारिश के साथ हाथी निकल रहा। वैसे एक दफा मैं आपको वक्त दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी 9 बज रहा है और देखिए बारिश के वजह से करंट भी गया हुआ है। अब थोड़ा सा रेस्ट लूंगा और इसके बाद फिर अपने काम पे लगूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलता हूँ एक दूसरे वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।